बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल एडो विद होप के YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 दिन में कैसे आप केमिस्ट्री को खत्म कर सकते हैं। आपने थंबनेल से देखा होगा कि हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। तो लगभग 7 से 8 दिन अब हमारे एग्जाम के रह गए। 30 नवंबर से लगभग सारे बच्चों का एग्जाम फर्स्ट टर्म का स्टार्ट है। तो हमारे पास 7 से 8 दिन है, उसमें हम साइंस को कैसे खत्म करें साइंस को। तो ये पार्ट वन रहने वाला है। पार्ट वन इस कारण से क्योंकि इसमें हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री को कैसे आपको 3 डेज प्रोग्राम है, मतलब 3 दिन में आपको केमिस्ट्री कैसे कम्प्लीटली पूरी तरीके से खत्म कर देना, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, आपका सारा चीज खत्म हो जाएगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रह जाएगा, सारा चीज आप कवर इससे कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखिए साइंस की में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, 3 चैप्टर हमारे आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट और मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का आधा पार्ट ही आ रहा है, मेटलर्जी से पहले तक का चीज आ रहा है, तो उसके बारे में वो बहुत ही कम सिलेबस आपको है। तो आपको देखिए 3 दिन में काम खत्म करने हैं, 3 डेज, 3 दिन में आपको ये काम खत्म करना है। सारा सेटअप जो मैं लिख रहा हूँ, जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किस तरीके से आपको खत्म करना है, वो सारा चीज मैं बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए 3 चैप्टर्स है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस सॉल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल। ये 3 मेजर चैप्टर्स है केमिस्ट्री में। खत्म करने का क्या तरीका है, देखिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी उठानी है। सपोज आप एक काम कर सकते हैं, या तो एनसीईआरटी से ये 3 चैप्टर्स को पहले पढ़ ले, 3 दिन का आप काम बांध ले कि फर्स्ट डे ये करना है, सेकेंड डे ये करना है, तीसरे दिन ये करना है। तो पहले दिन क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस अगर आप रीड कर रहे हो, सपोज आप पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन में पहला दिन आपको क्या करना है कि ऑल इम्पोर्टेंस, जितने भी आपके इम्पोर्टेंस रिएक्शन है, वो रिएक्शंस को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, रिएक्शंस को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब बोलो सर इससे फायदा क्या होगा, नोट डाउन करने के दौरान क्या होगी कि अगर आप उसको देखेंगे, जब आप लिखेंगे तो सपोज आप रिएक्शंस को लिख रहे हैं, जैसे लीड नाइट्रेट है तो वहां पे PbNO3 का होल्ड हो, मान लीजिए ये वाला रिएक्शन से इसको हिट दिए, ये टूटेगा, किस फॉर्म में टूटेगा ये आपको यहां से पता चल जाएगा। PbNO3 होल 2 का मतलब लीड नाइट्रेट का जो कलर होता है जनरली, वो आपको कलर पता चल जाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस जितने भी चैप्टर्स आप केमिकल रिएक्शन का पढ़ो, एसिड बेस सॉल्ट का पढ़ो, मेटल नॉन मेटल का पढ़ो, जितने भी रिएक्शंस मेनली आपको एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, सबसे पहले उसको क्या कर लेना, पढ़ लेना है, उसको कंप्लीट एकदम पढ़ जाओ, उसके साथ ही उसको कॉपी में एक जगह पे एकदम लाइन से, मतलब केमिकल रिएक्शंस का यहां से स्टार्ट किए, यहां खत्म हो गया, अगले पेज में तो यहां हेडिंग देंगे एसिड बेस सॉल्ट का, रिएक्शंस लिखेंगे, फिर अगले हेडिंग देंगे हम लोग उसका। साथ ही कंपेयर करने कि अगर मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं एसिड और मेटल का रिएक्शन को, इसको कंपेयर कर देने फर्स्ट चैप्टर से कि अच्छा ये कौन सा चैप्टर, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो यहां से आपको देख लेना। जैसे एसिड मैं एक लेता हूँ HCl हो गया, यहां से मैंने मेटल लिया ZN, रिएक्ट करेगा बढ़ेगा ZnCl2+H2 गैस इवॉल्व होगा। देखिए 2-3 चीजें हैं, सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक के पास चले जाइए, तो वहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता था, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। वहां पे एक एग्जांपल आपको देखिए, पढ़ एसिड बेस सॉल्ट रहा है, प्रॉपर्टीज एसिड बेस सॉल्ट की पढ़ रहा है, लेकिन रिएक्शंस कौन सा हमको यूज हो रहा है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसी के कारण मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी रिएक्शंस को लिखे तो आपको एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अनुसार आपको सारी चीज को एनालिसिस करना है, तो वो कभी दिक्कत आपको नहीं करेगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया, साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो रिएक्शन लिखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला दिन जो करना है, फर्स्ट डे काम करना है, या तो आप एक एक चैप्टर बांट लो। सबसे पहले मैं एक एक चैप्टर की बात करता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट डे हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा, सारा रिएक्शन लिख लिया, कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करना अभी फिलहाल, रिएक्शन सारे लिख लिए,
रिएक्शंस लिखने के दौरान कंपाउंड के फॉर्मूले, उससे रिलेटेड कलर, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए आपके कॉपी में, ठीक है। वो कर लेना है सबसे पहला काम, एनसीईआरटी में जितनी जानकारी मिलती है उतनी कर लेनी है। अगर आपको फर्स्ट डेज में मान लीजिए केमिकल रिएक्शन से पढ़ना है तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी से सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर लेना। दूसरी बात ईशान, अगर जिसके पास है, जिन बच्चों के पास ईशान है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सारे बना लेना है फर्स्ट चैप्टर से ही एमसीक्यू उससे रिलेटेड सारे आपको टोटल एमसीक्यू बना लेने हैं ईशान से रिलेटेड। उसके साथ ही अगर थोड़ा टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, आपको ज्यादा नहीं, प्रतिदिन 3 घंटे अगर समय आप इस पे दीजिएगा या 2 घंटे भी दीजिएगा तो मैक्सिमम है ये, 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा, दूसरे 2.5 घंटे 3 घंटे जो जितना एफर्ट लगाएगा उतना बढ़िया उसका पेपर खत्म होगा। तो इस चांस से एमसीक्यू कर लेना। अगर आपके पास समय अगर आपके पास बच रहा है तो आपको क्या करना है कि रीजन और एसर्शन के क्वेश्चन कर लेने, ऑनलाइन मिले ऑनलाइन कर लीजिए, किसी बुक्स में है बुक्स से आप ले लीजिए, या मान लीजिए कि आप लोग उस सवाल के या फिर एडो कार्ड के आप लोग अगर सैंपल पेपर खरीदे हुए तो वहां से ये आपको ज्यादातर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो एमटीजी के आप यूज कर सकते हैं, एनटीएससी के भी आपको अगर पीडीएफ कहीं मिल जाएंगे तो उसमें बहुत सारे एनटीएससी में रीजन और एसर्शन पे क्वेश्चन रहते हैं। तो इससे रिलेटेड कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर लेने हैं, 30-40 ये क्वेश्चन कर लेने हैं आपको कंप्लीट। अगर 30 से 40 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो बात क्या होगी, वही क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, क्वेश्चन वो नहीं आएगा, मे बी आ जाए आपके लिए बेनिफिट होगा। होगा क्या कि क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज है, कहाँ पे हमको रीजन समर्थ मतलब आपको रीजन एसर्शन को कंप्लीट करेगा, ये चीजों को आपको इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये आपको 3 काम पहले कर लेने हैं। सबसे पहला काम एनसीईआरटी से अगर आप चैप्टर वाइज खत्म करना चाह रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन पढ़ लेना, दूसरा ईशान से एमसीक्यू कर लेना, और तीसरा वो सारी चीजों को नोट डाउन करना है कॉपी में। अच्छा, एक और चीज साथ में ही डिफाइन भी आपको ध्यान रखने हैं और फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं, डिफाइन भी ध्यान रखने हैं और फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम ऑनलाइन वीडियोस पे आपको नहीं खर्च करना है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। हाँ, अब जो बच्चे को फॉर्मूले लिखने में दिक्कत है वो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आना है तो डिफाइन पे ध्यान देना है, रिएक्शंस पे ध्यान देना है, सेशन रीजन पे ध्यान देना है, और हमें एनसीईआरटी के जितने भी आपके रिएक्शन है वो कर लेना। इससे भी ज्यादा अगर आपको कवर करना है तो ये इस चाल में बहुत सारे रिएक्शन है, पार्ट बाय पार्ट उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। सेम कॉन्सेप्ट आपको वो दूसरे दिन एसिड बेस सॉल्ट पे भी लगाना है और मेटल और नॉन मेटल में भी लगाना है। कई बच्चों को मन में ये रहेगा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि आज एनसीईआरटी से तीनों चैप्टर्स को खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, पहले दिन फर्स्ट डेज क्या करना है आपको, एनसीईआरटी से टोटल आपको चैप्टर्स पढ़ लेना है, 8 पेज 10 पेज। सबसे बड़ा चैप्टर तो एसिड बेस सॉल्ट है, केमिकल और मेटल नॉन मेटल बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसको आप एक दिन में कवर अप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो एसिड बेस सॉल्ट भी आपका हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट डे में क्या करना है कि तीनों के, अब बार बार कहेगा बच्चा कि हम रिएक्शन ही लिखेंगे, टाइम लगेगा। तो अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी कहते हैं रिएक्शन को क्या कॉपी में नोट डाउन करें, वहीं से बुक में ही पढ़ लेते हैं। देखिए, जब आप रिटन वर्क करते हैं तो वहां आपका बहुत सारा चीज वर्क करता है। सबसे पहले ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जो चीजें देख के लिखते हैं तो लिखते समय उसको हम पढ़ते हैं, अपने मन में पढ़ते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट का हमने एग्जांपल लिया था अभी, या मान लीजिए आप ये वाला रिएक्शंस लिख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं HCl+ZnO तो ZnCl2+H2 देख के लिख रहे हैं, लेकिन उस समय तीन आपके, एक ब्रेन भी काम कर रहा है, एक आपका आई भी उसको देख रहा है, और दूसरी बात कि आप उसको बोल रहे हैं तो आपका ईयर भी उसको वापस से मतलब सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपके मन में रह जाएगा, ठीक है। वो चीजें जल्दी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के कारण आपको रिटेन वर्क जरूर से जरूर करना है। तो फर्स्ट डे अगर आप एनसीईआरटी से इन तीनों को कवर करते हैं तो दूसरे दिन इस चांस से भी आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगा लेने हैं, और इससे रिलेटेड भी अगर कुछ आपको रिएक्शन मिलते हैं तो वो कर लेना है।
तीसरे दिन आपको रीजन और एसर्शन तीनों चैप्टर्स के देख लेना है। 3 दिन में ये पूरा केमिस्ट्री मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका खत्म हो जाएगा। ग्रीवन रीजन एसर्शन आप किससे कर सकते हैं, तो आपके पास अगर एडुकाट या आपका सॉरी एडुकाट या फिर आपके पास अगर प्रेजेंट है और सवाल का तो उससे कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन भी आप गिवन रिसेशन करके सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पीडीएफ मिल जाएंगे जहां से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे केमिस्ट्री को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो साइंस का पार्ट 1 केमिस्ट्री हमने आज बता दिया कि कैसे 3 दिन में वर्क करना है। कल एक वीडियो में फिजिक्स पे लेके आऊंगा, उसको आपको मैं खत्म करवा दूंगा किस तरह से फिजिक्स में वर्क करना है। लेकिन सबसे पहले आप केमिस्ट्री पे 3 दिन का काम करिए, देखिए खत्म होता है कि नहीं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।